ब्रेक पर स्वागत। विश्व प्रसिद्ध जोरंदा माघ मेलार आज हेउछि तृतीय दिन। माघ चतुर्दशी गुरु पूर्णिमा परे आज देश पूर्णिमा भाव शेष दिन रे मेला पाउछंती हजार हजार महिमा सन्यासी। कोविड कटकणा भितरे चलछि जोरंदा मेला, महड़ महड़ किए विश्व कल्याण निमन्ते जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे समस्त साधुंक द्वारा झाड़ा दीप जला जाउछि। तेज आज शेष दिन में जोरंदा कि रही पारे से नहीं सीधा सड़क जावा जोरंदा महिमा गादी से आम प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी। आशीष, आज हे जोरंदा माघ मेलार शेष दिन अर्थात आज तृतीय दिन में केमी कौन देखुं परेश निहत भाव देखु इतिस्मृति 148तम विश्व प्रसिद्ध जोरंदा माघ मेलार आज रही अंतिम दिवस। दुई दिन है आम देखी राज्य सरकार जो एसओपी रही स्थानीय प्रशासन कोविड कटकणा से सबको अनुपालन कर हजार हजार जो साधु सन्त मैंने रही सन्धार झाड़बती ठू आरंभ कर सका जहाँ नीतिकांति रही सबको पालन करुले। आज शेष दिन में ठीक से ही परेश रही खाँ खाँ रही जोरंदा गादी मंदिर खाँ खाँ रही मेला पड़िया किंतु जहाँ नीतिकांति रही सबू से सबू रीतनीति अनुसार करें कथा आम सहित अच्छा महिमा गादी बाबा अच्छा रघुनाथ बाबा। बाबा आपन को स्वागत करुच्ची। दुई दिन मेला सरला आज रही शेष दिन, आज विशेष भाव शेष दिन में कौन झाड़बती केमी चलो एवं केमी रीतनीति सब कर माने परंपरा भाव में जो आम गादी नीति जमी चली ठाकुर नीति से सब परंपरा भाव में चलो। चतुर्दशी दिन बड़ झाड़बती जलिला, पूर्णिमा दिन बड़ झाड़बती जलिला, भक्त मैंने जी आसी पतला भाव भक्त हेले प्रभु को दर्शन करके आशीर्वाद नहीं कि जाती महिमा धर्म नीति अनुसार से सब कार्य हो जाए। आज तृतीय दिन में आज सप्तशाखा झाड़बती गोटे जल मंदिर भितर जल आम मालमूल सिद्ध बड़कृपा सिंधु आश्रम जलो आउन्य शून्य मंदिर धूनी मंदिर विभिन्न जगह जो रही ठाकुर उपासना पीठस्थल से मानक सन्ध्या झाड़बती जल भजन जनाण प्रार्थना बा गुरुदर्शन जो भाया भाव में कार्यकारी हुए से भाया भाव में कार्यकारी हो ये सब धर्म कार्यक्रम सब चलो। तापर आमर जो वार्षिक धर्म सभा रही वार्षिक ये दायित्व गुरुदायित्व जो मैंने नहीं से बाबा मान कर्मकर्ता हिसाब से गुरुदायित्व बहन करेंगे। नूतन जो मैंने दायित्व न रही से ब्रह्मांड को जीवे एभलिया भाव में गुरुधाम तो भिक्षा द्वारा परिचालित ए वर्ष जो प्रकार सुविधा असुविधा से प्रभु जानती कारण तांकर धर्म तांकर से रक्षा करेंगे। एणु आम जो भावुँ आगुरी जो भाया भाव में भक्त मान दान आसिक पहुँचुला से भाया भाव में किसी पहुँच पारा नहीं बाबा टी अटक जो भाव दान अर्थ आसे से आसला ना जेहेतु भक्त समागम है ना आम सहित अच्छा भक्त मुख्य बड़ भाई भाव में परिचित आज्ञा कौठ आसी मन प्रकृति दुख रही से भली कौन लक्ष लक्ष भक्त आसिले आज्ञा आम आसीचु आंद्रा टू आम साधु मन को दसरा मसरे ये मसरे आसिक आम गोष्ठी में बसिक आम साधु संगे ये प्रभु साक्षात होकर आम फेरुचु केते दुख अच्छे मन में वर्ष जो लक्ष लक्ष भक्त आस दुख बोले कि समाज पार्टी आसी पारे ना मुझे गोटे जोड़े लोक आसिक खार्ज कर यार आम गोटे चालीस लोक आम आसचु निहत भाव आज जन साधु बाबा अच्छा पचार बाबा पचारि जे सब वर्ष आम देखी 148 वर्ष होगी जो परंपरा अनुसार पूजा बा मेला हुए लक्ष लक्ष भक्त समागम हुए कि सोरस पकेवाक भी जगह हुए ना कि वर्ष से सब जिन है तो कमी मनर केणा रहा केत रीतनीति केमी कौन चली महिमा धर्म परंपरा अनुजाई आमर माघ मास शुक्ल चतुर्दशी दिन पालन कराए किंतु प्रतिवर्ष भरी ए वर्ष लोक होता भावुलु किंतु वर्तमान जो कोरोना महामारी रोग जो सरकार आईन अनुसार बंद हो गला सब टी टाइप रेडियो सब सब प्रचार है से भक्त मान आग्रह थे कौन से भक्त आसी पारे ना किंतु आमर महिमा धर नीति अनुसार झाड़बती जल्वा आउतापर आम जो परंपरा नीति अनुसार जो डोर कौपिन ग्रहण करवापर से कम सरी आ दुई दिन अहरतर आमर 31 आका झाड़बती प्रज्वलन सरी देश राज्य ग्रामर मंगल निम्ते घूर्ताहुति प्रदान करागला तो सहित आज तृतीय दिन पहुँची आमर
ମହିମା ଧର୍ମର ଏବଂ ସମାଜର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଡୋରକପିନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଂଘଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଭିକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସପ୍ତଶାଖା ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳିବ, ଆଉ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରି ଭକ୍ତମାନେ ବିଦାୟ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସପ୍ତଶାଖା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜଳିବ ଶେଷ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ବତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେମାନେ ସପ୍ତଶାଖା ଝାଡ଼ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପରିବେଶ? ଆମେ ଆସିଛୁ ସାର୍ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖ। ଆମେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିବା କଥା, ତଥାପି ଆସିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ସାର୍ ନଦୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାହାଡ଼ିକିନା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଭାଇମାନେ ବି କିଛି ଆସିପାରିଲେନି। ଆମ ଗାଁରୁ ଛଅ ଜଣ ଆସିବା କଥା, ମୁଁ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା। କାଲି ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଠୁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମନରେ ଉଣା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଆସିପାରନ୍ତି ସେଭଳି ଆସିପାରନ୍ତି, ମନରେ ଟିକେ ଅବଶୋଷ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଏହାର ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମାଘ ମେଳା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।